शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। शिमला स्मार्ट सिटी मिशन को एक साल का विस्तार मिल गया, जिससे राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विधानसभा, फ्लाईओवर और पार्किंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट अब सिरे चढ़ पाएंगे। अब जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के काम पूरे हो सकेंगे। पहले जून 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। नगर निगम शिमला आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से पत्र भी मिल गया है। शहर में इस समय करीब 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम शुरुआती चरण में है, ये अब एक साल के अंदर पूरे किए जा सकेंगे। बहुत कार्य हो भी गए हैं और काफी कुछ कार्य हैं जो चल रहे हैं, तो जून 23 से जैसे एक साल की एक्सटेंशन नाम मिली है, उससे अवश्य ही लाभ होगा इसमें सिटी को। और जो बड़े बड़े कार्य हैं जैसे ढली टनल नीरिंग कम्प्लीशन है, स्टेबलाइजेशन ऑफ रिज है, ये जो बड़े कार्य हैं दिख रहे हैं, एक विकास नगर में एमसीबी पार्किंग बना रहा है, तो ये सब कार्य एक वर्ष में तो पक्का हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट हमारे और हैं और जो अब इसका जिससे फायदा होगा, वो आपको पता होगा, ये जो लोकल बस स्टैंड है यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक बड़ी पार्किंग बननी है 250 गाड़ियों की, और उसके लिए थोड़ा इश्यूज थे, उसमें कुछ एमसी का स्टाफ भी था, वहाँ कुछ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स भी थे, तो उनको हटा करके वहाँ पे जो सिविल वर्क का कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है, तो अब वो कार्य स्टार्ट हो भी गया है। वो शॉप्स थी, हमने वेकेंट कराई है, उनको दूसरी जगह रिलोकेट किया है, ये गुरुद्वारे के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि स्मार्ट सिटी को केंद्र से अब अतिरिक्त बजट नहीं मिलेगा। केंद्र से शिमला शहर को कुल 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इनमें से 98 करोड़ की दो किश्तें अभी शिमला को मिलनी बाकी है। शिमला शहर में 750 करोड़ रुपए के काम इस मिशन से होने हैं। 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार जारी करेगी। खैर, सरकार ने ज्यादातर बजट जारी भी कर दिया है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।